दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये हफ्ता दो दुखद खबरें लेकर आया। दो ही दिनों में इंडस्ट्री ने दो दिग्गज अभिनेताओं को खो दिया। बुधवार यानी 29 अप्रैल को अभिनेता इरफान खान का निधन हुआ था। अभी इस सदमे से लोग उबर भी नहीं पाए थे कि गुरुवार यानी 30 अप्रैल को अभिनेता ऋषि कपूर के गुजर जाने की खबर आ गई। दोनों अभिनेता कैंसर से ही जंग लड़ रहे थे। ऋषि कपूर बीते साल ही न्यूयॉर्क में इलाज करवाकर लौटे थे। वहीं इन दो दिग्गज सितारों को खोने का गम इंडस्ट्री शायद कभी ना भुला पाए। इरफान खान और ऋषि कपूर ने निखिल आडवाणी के निर्देशन में बनी फिल्म डीडे में साथ काम किया था। इस फिल्म को लेकर काफी सालों पहले इरफान ने अपने इंटरव्यू में एक बात कही थी। आज जब हम इन दोनों दिग्गजों को खो चुके हैं, तो ऐसे में इरफान खान की ऋषि कपूर को लेकर कही ये बात वाकई इमोशनल करने वाली है। इरफान खान ने फिल्म से जुड़ा किस्सा बताते हुए कहा था कि डीडे की शूटिंग खत्म हो जाने के बाद हम सभी ऋषि कपूर के चारों ओर बैठ जाते थे। ऋषि कपूर के पास बहुत कहानियां होती थी और वो हमें इसे सुनाकर सबका मनोरंजन करते थे। ऋषि कपूर एक असाधारण कलाकार हैं और उनके साथ काम कर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा था कि ऋषि कपूर के साथ काम करना किसी सपने के साकार होने जैसा लगता है। इन दोनों कलाकारों के बीच एक अजीब संयोग ये भी रहा दोस्तों कि दोनों ही अपनी मां के अंतिम दर्शन नहीं कर पाए थे। हम ऋषि कपूर को कभी नहीं भूल पाएंगे। ओम शांति।